नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन पर लगाए महिला ने प्रताड़ित करने के आरोप। कहा कि पूर्व चेयरमैन के इशारे पर किया जा रहा बैंक में तैनात कर्मचारियों द्वारा मानसिक तौर पर परेशान। सोलन सदर पुलिस नहीं सुन रही फरियाद, उल्टा उन्हें ही घंटों सदर थाना सोलन बिठाया गया। 2013 में मोहन मेहता ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, जहां इसने मुझे नौकरी देने का झांसा दिलवाया और मेरे साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करी, जिसका मैंने विरोध किया और सिटी चौकी सोलन में मैंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जहां इसे बुलाया गया। पर इसके कांग्रेस का एक लोकप्रिय नेता है, वहां इसने पॉलिटिकल दबाव डालकर इस केस को लफा दफा कर दिया। पर आज दिन तक ये मेरे साथ अभी भी छेड़खानी कर रहा है। आज 3 दिन हो गए मुझे पुलिस चौकी के चक्कर काटते हुए, वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले मोहन मेहता की ही सुन रहे हैं और आज तो इन्होंने मेरी लिखी हुई बयान की फोटो स्टेट कॉपी भी फाड़ दी। उधर पूर्व चेयरमैन ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोप सिरे से नकारे हैं और कहा कि ये सब उन्हें राजनीतिक विरोधियों द्वारा बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सर, एक लेडीज बैंक में उसने लोन लिया था और जब आप डायरेक्टर थे उस टाइम उसका लोन हुआ था। अच्छा। तो उसने कुछ एलिगेशन लाए कि मुझे रिकवरी के नाम पे आपके इशारे पे वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं बैंक के कर्मी, तो इस बारे में आपका क्या कहना? ऐसा ही ना, तो मैं किसी लेडी को जानता कि कौन है, किस नाम से है, और जो ये बात कर रही है कि मैंने लोन लिया था, लोन जो है ये मेरे टाइम में नहीं हुआ, ना मैं उस टाइम चेयरमैन था। और ये जो है चेयरमैन, और क्योंकि जो ये 5 लाख का या 10 लाख का लोन होता है ये बोर्ड में नहीं होता, मैं बोर्ड का डायरेक्टर जरूर था लेकिन उस टाइम मैं चेयरमैन नहीं था, तो चेयरमैन और MD जो है इसके लिए एथराइज होते हैं। तो मेरे टाइम में मैं उस टाइम चेयरमैन नहीं था जिस टाइम इसका लोन हुआ है। और जो उनकी बैंक कर्मचारी मेरे कहने से प्रताड़ित कर रहे हैं, जब मैं चेयरमैन ही नहीं हूँ, अब तो मैं इलेक्शन भी हार चुका हूँ, मैं अब बैंक में कुछ मेरा डायरेक्टर में मेरा कोई बैंक से लेना देना नहीं है, इसके बावजूद भी इसको कोई अगर ये है कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो ये अगर कहीं जो जैसे MD है या बैंक वाले हैं या जिसके को ये बोल रही है कि भाई मैंने उनको प्रेशराइज किया, वो मेरे से बात करें तो मैं उनको बताऊँ कि भाई मैंने किसको प्रेशराइज किया और कब किया। कोई एक भी एम्प्लॉयज कोई अगर बोल दे कि मैंने ये किया तो उसमें मैं और आगे भी कभी, क्योंकि मैं बैंक से मेरा हिस्सा जुड़ा हुआ है, 1987 से बैंक का डायरेक्टर रहा हूँ, तो मेरे सेंटीमेंट बैंक के साथ जुड़े हुए, बैंक के हित में कल को अगर कहीं भी मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। और कभी भी मतलब जो है ये मेरे खिलाफ़ जो ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि मैं कट्टर कांग्रेसी आदमी हूँ और मैं 5 बारी बैंक का चेयरमैन रहा हूँ, 9 और 8 बारी मैं बैंक का डायरेक्टर रहा हूँ, अब मैं बैंक का डायरेक्टर भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तो ये सारा राजनीति से प्रेरित है क्योंकि मैं कांग्रेसी आदमी हूँ। और इसमें हो सकता है कि किसी हमारे अपने जो हमारे ओपोनेंट है शायद उनका इसमें हाथ हो और कोई इसको उकसा रहा है जो ये मेरे खिलाफ इस तरह से बयान दे रही है, बाकी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं बैंक का डायरेक्टर हूँ और ना मेरा कोई ये है। और इसके और भी केसेज इसके मतलब जो है इंक्वायरी वगैरह जो है वो बैंक अपने तौर पर करा ले, अगर वहाँ कोई मेरी कोई गलती निकलती है तो मैं वहाँ पर कोऑपरेट